समय जॉइंट फोरम की ओर से जो चाय बगान में श्रमिक काम करते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार और जो पाप हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके विरोध में दार्जिलिंग के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेड यूनियन के लोग कलेक्टिवली एक जॉइंट फोरम के नाम से वो इस समय एक बड़े समूह को लेकर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग से मिलने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं सांसद होने के नाते मेरे साथ विधायक हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण भी हैं। यूं तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एक श्रमिकों का जॉइंट फोरम के माध्यम से ये उनका एक विरोध प्रदर्शन था। स्वाभाविक है, जब भी दार्जिलिंग के जनता जो सबसे ज़्यादा चाय बगान में काम करती है उनके ऊपर पीड़ा और उनके ऊपर अगर शोषण होता है तो स्वाभाविक तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के नेता या सांसद विधायक का उसमें रहना एक स्वाभाविक बात होनी चाहिए। मैं इस प्रदर्शन को समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी की ओर से, विधायक की ओर से, सांसद की ओर से और तमाम दार्जिलिंग तराई डुअर्स की जनता की ओर से जॉइंट फोरम के इस कार्यक्रम को एक नेक प्रयास को हम सबका समर्थन है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो दार्जिलिंग की दुर्दशा है उसके लिए एकमात्र टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी जिम्मेदार है। दार्जिलिंग की जनता को हर तरफ से जो घेरने का प्रयास हुआ है पिछले कई सालों से, और दार्जिलिंग में आज मैं अन्य विषयों की चर्चा नहीं करता, जब मैं चाय बगान की बात करता हूँ तो 87 चाय बगान में से आज ज़्यादातर चाय बगान जो है बंद होने के कगार पे हैं, और उनके बंद हो गए कि जो कगार की जो स्थिति है उसके लिए केवल और केवल जो है ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार जिम्मेदार हैं। और इस समय जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका एक उद्देश्य है कि हर साल जो है चाय बगान के श्रमिकों को जब बोनस देने की बात आती है तब जो है कहीं ना कहीं उनके साथ राज्य सरकार धोखा करती है। राज्य सरकार धोखा इस प्रकार से करती है, मैं उसको विस्तृत रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। चाय बगान में एक नियम है, एक पद्धति है कि हर बार जो है दशहरा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले जो है ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं, नेगोशिएशन करके बोनस दिया जाता है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। हालांकि इस प्रथा के समर्थक में मैं नहीं हूँ, बट फिर भी एक परंपरा चली आ रही है। इस बार जब डायलॉग ऑन हो ही रहा था, नेगोशिएशन चल ही रहा था, वो कंप्लीट हुआ नहीं, बात विवाद चल रहा था, लेकिन राज्य सरकार बीच में आकर के एक नोटिफिकेशन इशू कर देता है और ये कहता है कि इस बार हम 20% देंगे लेकिन दो हिस्सों में देंगे, एक बार 15% देंगे फिर एक बार 5% देंगे, और दोनों जो 15% और 5% में जो गैप है मात्र 3 हफ्ते का यानी 21 दिन का है। पहला प्रश्न ये उठता है कि जब श्रमिक अपने हक के लिए जब टेबल पे बातचीत चल रहा था तो वहाँ जबरदस्ती राज्य सरकार घुस करके उनके साथ धोखा क्यों हुआ। दूसरी बात, जब आप सिलीगुड़ी तराई और डुअर्स में एक ही बार में आप 20% बोनस दे सकते हो जो दार्जिलिंग के चाय जिस उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगे दामों में बिकता है, फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों। उनके साथ 20% वो भी एक साथ जब मिलता है तो दार्जिलिंग की जनता को क्यों नहीं मिलता, ये दूसरा। पहले तो आपने नेगोशिएशन को ख़राब किया, दूसरा आपने जबरदस्ती 20% को दो हिस्सों में थोपा, तीसरा आज चाय बगान बंद हो रहे हैं। बंसल नाम की एक प्राणी है, उसके 10 चाय बगान आज बंद होने के कगार पे हैं। और इसके अलावा जब मैं यहाँ लोकन प्रशासन और साथ में जो है जीटीए की तरफ देखता हूँ, एक उदासीनता उनकी तरफ से दिखती है साफ सुथरे लहजे में। और जब जीटीए में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि जो है चाय बगान हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये राज्य का है, तो मुझे लगता है उनको जीटीए से रिजाइन कर देना चाहिए। अगर चाय बगान की जनता के मतों से अगर कोई जीत करके जीटीए का चिप बना, अगर वो ये कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना और सिंटेक्स भरना अगर उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे प्राणी को तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए। ये मेरा उनके साथ साफ साफ जो है ये आरोप है।
और रही बात ये जो बोनस प्रक्रिया की, मैं एक बार पुनः जॉइंट फोरम के इस कार्यक्रम को समर्थन करता हूँ, और मैं साफ सुथरे अक्षरों में जीटीए के कुर्सी पे बैठे हुए लोग, राज्य सरकार के लोग, यहाँ का प्रशासन, अन्य कोई भी हो जो ममता दीदी के आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है, ये अन्याय, ये अत्याचार और ये दुराचार अब नहीं चलेगा। अब गोरखा इतना बेवकूफ नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि जो है अंग्रेज के जाने के बाद जो शोषण आपने अभी तक चलाया है, अब ये शोषण समाप्ति की ओर है। मैं नवरात्र के इस पवित्र समय में इस बात को ये कह रहा हूँ, इस बात में दम है। अब वो शोषण के दिन गए, और जो भी चाय बगान के श्रमिकों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, अन्य किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करता है या शोषण करता है, फिर उसका अंत तय है, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। जी, मैनेजमेंट तो मानने वाला नहीं है अभी तक जो दिख रहा है, आप एमपी होने के नाते क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी भी घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट में, आप देखिए, मैनेजमेंट से किसी प्रकार की, मैं एक बात तो कह दूं, 87 जो दार्जिलिंग की गार्डन है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। और इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, 171 रिपोर्ट, आप सब लोग उसको ऑनलाइन फेसबुक में देख सकते हैं। पहली बार मुझे लगता है कि भारत के संसद भवन में दार्जिलिंग का विषय फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में पहुंचा है। चर्चाएं तो पहले भी हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि दार्जिलिंग की वर्कर की स्थिति दयनीय है। जब परिवार का एक व्यक्ति घर में मर जाता है, जब उसको गाड़ने के लिए जो है दो गज की मिट्टी नहीं मिलती, आज के इस स्वतंत्र भारत के अंदर में जो स्थिति है, ये ठीक नहीं है, ये साफ सूत्रों में लिखा हुआ है। इसी तरह चाय बगान के प्लांटर्स की जो स्थिति है, उसके अभी वहाँ पे वर्णन किया गया है, और भारत सरकार पूर्ण रूप से उस रिपोर्ट के अध्ययन कर रही है, और आने वाले समय में दार्जिलिंग के चाय बगान को पुनः उसी स्थिति में ले जाने के लिए बड़ी घोषणा केंद्र की सरकार करेगी। इतना ही नहीं, श्रमिकों को हितों को ध्यान में रख कर के जो चार कानून पास हुए हैं, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। मुझे लगता है जितना भी समय ले ले, कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनको कम से कम 300 रुपये मिनिमम वेज मिलेगा, ईएसआई के अस्पताल बनेंगे, अन्य सब सुविधाएं मिलेंगी। रही बात मैनेजमेंट, जितना मैं उनको जानता हूँ, कुछ गार्डन ऑलरेडी 20% एक ही बार में दे चुके हैं, और हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि ये बोनस इनका अधिकार है, इनकी कोई डिमांड या मांग नहीं है। क्योंकि कंपनी जब आप चलाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बोनस का प्रोविजन पूरे साल भर आपको करना पड़ता है। अगर उस प्रोविजन के हिसाब से उसका डिस्बर्समेंट आप नहीं करते हो, तो वो भी इलीगल है, वो भी गैरकानूनी है। और आज बहुत सारे जो है टी गार्डन के जो मैनेजमेंट है, वो देना चाहते हैं, कुछ ने दिए भी। मैं उन सब से ये निवेदन करता हूँ, सांसद होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते, श्रमिक पूरे साल मेहनत करते हैं, जब फर्स्ट प्लस का चाय उगता है, तब आपसे ज़्यादा रुपए नहीं मांगते। सो मुझे लगता है ये उनका अधिकार है, आप उनके अधिकार की पूर्ति करिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आप सबसे निवेदन है कि आपको 21 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा 20%, आप किसी की मत सुनो, स्टेट की भी मत सुनो, डीएम की, प्रशासन की मत सुनो, एक शॉट में आप 20% सबको देने का कृपा करो।